क्लास 11th के लिए इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है मोशन इन अ प्लेन। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में हम खासकर ये देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर की जरूरत खासकर क्यों हुआ। तो जैसे कि इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वहां पर हमने क्या देखा था कि बॉडी जो है उसका मोशन कैसा है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है। जैसे कि यहां पर एक बॉडी है फॉर एग्जांपल, वो या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर उसका मोशन का डायरेक्शन ये होगा और वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा ये। लेकिन दुनिया में हर तरह का, दुनिया के पूरे यूनिवर्स में हर तरह का मोशन इतना सिंपल फॉर्मेट में नहीं होता है, इससे कॉम्प्लेक्स होता है ज्यादातर मोशन। एक एग्जांपल लेते हैं, एक चींटी का एग्जांपल लेते हैं जो कि एक टेबल के ऊपर चल रही होती है। तो अब ये टेबल का टॉप है, हम ऊपर से देख रहे हैं टेबल को, सो ऊपर से हमें दिख रहा है चींटी का मोशन जो है कुछ ऐसा है। ये है फॉर एग्जांपल वो चींटी और इसका जो मोशन है, ये मोशन हमें दिखा कुछ इस तरह का मोशन है। तो इसे हम किसी भी तरह से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन नहीं कह सकते हैं। ये देखिए, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि अगर गौर करें इसके मोशन को तो ये चींटी जो मूव कर रही है टेबल में, ये कहीं पर भी जाए, किसी भी पाथ में जाए, वो एक प्लेन में, टेबल टॉप का जो प्लेन है इस प्लेन में मूव करेगी। जबकि इस केस में अगर एक ऐसा तार बंधा हुआ रहे और एक चींटी इस पे चले, तो वो या तो इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चलेगी या फिर इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चलेगी। तो यहां पर इस तरह का मोशन जो है वो वन डायमेंशनल मोशन है, ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, बल्कि यहां पर ये मोशन इन अ प्लेन है। इस प्लेन में चींटी मूव कर सकती है, इस प्लेन से बाहर नहीं जा सकती है। तो ये जो इस तरह का मोशन है, इसे टू डायमेंशनल मोशन या फिर मोशन इन अ प्लेन कहा जाता है। इसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान ले कि एक कमरा है, एक कमरा, और इस कमरे में एक मक्खी उड़ रही है। सो ये कमरा, ये वो कमरा है, इस कमरे के अंदर एक मक्खी है जो कि उड़ रही है। तो यहां पर इस मक्खी का जो मोशन होगा, फॉर एग्जाम्पल मक्खी यहां से उड़ना शुरू करती है और इसका जो मोशन होगा, ये देखे, ये प्लेन में भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, बल्कि ये पूरे तीनों डायमेंशन में ये अपना मोशन को एग्जिबिट कर सकती है। तो इस तरह का मोशन जो है ये थ्री डायमेंशनल मोशन है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स तरह का मोशन है। तो आज के इस वीडियो से जिस चैप्टर की शुरुआत हम कर रहे हैं जो कि है मोशन इन अ प्लेन, उसमें हमें खासकर इस तरह के मोशन को ही पढ़ना है। मतलब एक बॉडी जो एक प्लेन में मूव करेगी, जैसे कि एग्जांपल कि मान ले आपने एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका। ये हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था कि आपने एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका। अगर आप सीधे इस पत्थर को बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसका मोशन कुछ ऐसा होता है, ये सीधा ऊपर जाता है और उसी पाथ में ये नीचे वापस आ जाता है। तो ये जो मोशन होगा ये ऑब्वियसली वन डायमेंशनल मोशन होगा, वन डायमेंशनल मोशन या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये ऊपर जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर आप इसे बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ ना फेंक के आप एक एंगल में ऐसे फेंकते हैं, आप इसे थोड़ा टेढ़ा करके फेंकते हैं, तो अब इसका जो मोशन होगा, इसका मोशन कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा और इस तरह से ये गिर जाएगा। तो इस तरह का जो मोशन है ये ऑब्वियसली वन डायमेंशनल मोशन नहीं होगा, बल्कि टू डायमेंशनल मोशन होगा। और इस मोशन का एक खास नाम है जिसे कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हमें आगे जाके पढ़ना है इसी चैप्टर में, प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान दें, ये मोशन इन टू डायमेंशन होगा, ये मोशन इन प्लेन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये इसका जो पाथ है, अगर आप गौर करें तो ये एक प्लेन बनेगा, बिल्कुल एक प्लेन, उसी प्लेन पे इसका मूवमेंट हो रहा होगा। सो प्रोजेक्टाइल मोशन ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। और इसी तरह का एक एग्जांपल टू डायमेंशनल मोशन का, कि मान ले कि अगर आप एक रस्सी में पत्थर बांधते हैं और उस पत्थर को, उस रस्सी को पकड़ के आप गोल गोल घुमाते हैं, तो ऐसे ये सर्कल में घूमेगा पत्थर।
सो ये जो पत्थर का मोशन है यहां पर हमें दिखेगा, ये पत्थर का मोशन एक सर्कुलर मोशन होगा, सर्कल में घूमेगा, तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है सर्कुलर मोशन। और आप ध्यान दें कि यहां पर भी ये मोशन जो है ये इस प्लेन में इस बॉडी का, इस पत्थर का मोशन हो रहा है, तो ये भी मोशन इन अ प्लेन ही होगा, जिसे कि हम टू डायमेंशनल मोशन भी कह सकते हैं। अब देखें कि ये जो टू डायमेंशनल मोशन और वन डायमेंशनल मोशन में जो बिल्कुल फंडामेंटल डिफरेंस है, वो फंडामेंटल डिफरेंस कहां से अराइज होता है। इससे पहले मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में या कहें मोशन इन वन डायमेंशन में हमने कुछ चीजों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, और साथ ही साथ इसके साथ एक डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होता है, थोड़ी देर में बात करते हैं। और साथ ही साथ हमने वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे बात किया था, वेलोसिटी क्या होता है, उसी तरह से हमने एक्सीलरेशन पे भी बात किया था। चेंज इन पोजीशन का जो रेट है उसे वेलोसिटी कहा जाता है, जिस रेट से पोजीशन चेंज होता है, और जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होता है उसे एक्सीलरेशन कहा जाता है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, इन तीनों के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है। अगर वन डायमेंशनल मोशन की बात करें तो इसके साथ एसोसिएटेड जो डायरेक्शन है वो बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ दो ही डायरेक्शन पॉसिबल होता है, या तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट या फिर कहें बॉडी का जो पोजीशन चेंज है, बॉडी का मोशन अगर देखें इस डायरेक्शन में हो, तो डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, हम एक साइन कन्वेंशन मान लेते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस इज पॉजिटिव, और नेगेटिव डायरेक्शन जो इस एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो है उसे नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो उसे पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो उसे नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मूव करे तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव होता है, बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मूव करे तो उसका वेलोसिटी नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। उसी तरह से अगर इस डायरेक्शन में बॉडी का वेलोसिटी बढ़ते जाए तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, वहीं अगर इस डायरेक्शन में बॉडी मूव करे लेकिन उसका वेलोसिटी घटते जाए तो एक्सीलरेशन को नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। उसी तरह से इस डायरेक्शन में मूव करते हुए अगर वेलोसिटी बढ़ते जाए तो एक्सीलरेशन नेगेटिव, और इसी डायरेक्शन में मूव करते हुए अगर वेलोसिटी घटते जाए तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। तो ये जो डायरेक्शन वाला मामला है, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो या एक्सीलरेशन हो, ये बहुत ही सिंपली वन डायमेंशनल मोशन में हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए हम साइन कन्वेंशन से ही इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। सिंपली इस डायरेक्शन में हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव है और इस डायरेक्शन में ये जो है ये नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, बस बात खत्म, और कोई टेंशन की बात है ही नहीं। लेकिन जब बॉडी का मोशन एक प्लेन में होता है तो उस केस में आप सिंपली पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। किसे? डायरेक्शन को। डायरेक्शन को हम पॉजिटिव नेगेटिव से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इस केस में तो बहुत आसान सिचुएशन था, डायरेक्शन सिर्फ दो ही था, या तो इधर या फिर इधर, एक तरफ को हमने पॉजिटिव और दूसरी तरफ को नेगेटिव हमने मान लिया तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। लेकिन यहां पर अब वो लागू नहीं होगा, क्योंकि देखिये अगर मान ले कि ये जो चींटी है, हमने इसके मोशन के एक पार्ट को कंसिडर किया, तो चींटी मान ले कि एक मिनट में यहां से यहां पहुंच जाती है, तो अब आप गौर करें कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे उसका मैग्नीट्यूड कहा जाता है, और जिस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हुआ, इस डायरेक्शन में, तो उसे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहा जाता है। तो यहां पर गौर करें, डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में है। अब ये एक डायरेक्शन है, खास डायरेक्शन। अब कुछ देर बाद चींटी ऐसे मूव करते हुए यहां पहुंच गई। अब देखिए इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। उसी तरह से मान लेते हैं चींटी और ट्रैवल करते हुए यहां तक पहुंच जाती है। सो यहां तक चींटी पहुंच गई। अब अगर यहां से यहां तक के मोशन में अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखें तो किस डायरेक्शन में चींटी डिस्प्लेस्ड हुई? तो चींटी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हुई। तो देखिए तरह तरह के डायरेक्शन हमें मिल सकते हैं। डायरेक्शन देखिए, एक तो इस डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन इधर है और एक डायरेक्शन इधर है। मतलब यहां पॉजिटिव और नेगेटिव से सिर्फ हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं।
ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत 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 सारे डायरेक्शंस पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायरेक्शन पॉसिबल है। यहां से देखिए, अगर मान ले चींटी का इनिशियल पोजीशन ये, तो चींटी के मूड पे डिपेंड करेगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा। तो चलिए, डिस्प्लेसमेंट ऐसा भी हो सकता है इस डायरेक्शन में, या फिर चींटी इस डायरेक्शन में जा सकती है, या फिर इस डायरेक्शन में जा सकती है, या फिर इस डायरेक्शन में जा सकती है। सो ऐसे बहुत 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 सारे पॉसिबल डायरेक्शन होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायरेक्शन होंगे। तो यहां पर गौर करें कि डायरेक्शन को बहुत ही अगर सिंपल तरीके से कहा जाए, तो अगर हम सिंपल तरीके से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरह से अगर रिप्रेजेंट करें, हम डायरेक्शन को तो नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं कि नॉर्थ के डायरेक्शन में, साउथ के डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि ये साइड जो है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। अब पॉसिबल डायरेक्शंस देखे क्या क्या हो सकता है। अगर चींटी मान ले यहां से यहां इस डायरेक्शन में जाती है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन जो है, मोशन का जो डायरेक्शन है, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका जो डायरेक्शन है, ये टुवर्ड्स नॉर्थ है, हम कह सकते हैं ऐसा। लेकिन अगर चींटी इस डायरेक्शन में मूव करे, तो हम कह सकते हैं टुवर्ड्स ईस्ट है। इस डायरेक्शन में मूव करे तो टुवर्ड्स साउथ, इस डायरेक्शन में मूव करे तो हम कहेंगे टुवर्ड्स वेस्ट है। अब मान ले कि चींटी जो है वो चींटी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तब आप क्या कहेंगे किस डायरेक्शन में है? चलिए कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। लेकिन चींटी अगर इस डायरेक्शन में मूव करे तब क्या कहेंगे? फिर भी हम बाउंड हो गए नॉर्थ ईस्ट कहने पे। लेकिन क्या ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन बराबर है? ये तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा ना, अगर मान ले कि ये डायरेक्शन के बदले हम इस डायरेक्शन को कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो फिर जाना था जापान, पहुंच गए चीन, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। देखिए, स्लाइट डिफरेंस होने के बावजूद एक लॉन्ग डिस्टेंस में, एक लॉन्ग रन में ये बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए हमने कह दिया कि ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन देखे डेफिनेटली अलग अलग है। एक तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है। सो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, खासकर ये जो डायरेक्शन वाला मामला है, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही एक बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट आया है, जो कि है वेक्टर। अगले वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वहां पर हम जाके देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज उस तरह के क्वांटिटीज हैं जिसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है, और आगे चल के हम ये देखेंगे कि कितना बेहतरीन तरीके से जो एक डायरेक्शन है, ना तो वो नॉर्थ है ना ही ईस्ट है, कुछ ऐसा सिचुएशन मान ले कि नॉर्थ ईस्ट, दोनों ही नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में है, लेकिन इसे रिप्रेजेंट हम एक बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं जिससे कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से डिस्टिंग्विश्ड हो सके। उन सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, किन चीजों को, किन फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, किन चीजों को हम, किन फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। सो उन सब चीजों को समझने के बाद ही हम जो ये डायरेक्शन है उस पर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मेन जो डिफरेंस होता है, मेन जो कारण है, जो कि ये पूरा एक एंटायरली अलग चैप्टर हो जाता है मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन से, बाकी चीजें देखे वही है, डिस्प्लेसमेंट यहां भी होगा, वेलोसिटी भी यहां होगा, एक्सीलरेशन भी यहां होगा, फंडामेंटली डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के साथ जिस तरह से रिलेटेड होता है, यहां भी वही रिलेशन होगा। सो फंडामेंटल तौर पे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन कोई नहीं बदलने वाला है, तीनों वैसा ही रहेगा, लेकिन जो एसोसिएटेड डायरेक्शन होता है, क्योंकि इन सब के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है, जो एसोसिएटेड डायरेक्शन होता है उसे रिप्रेजेंट करने का पूरा तरीका बदल जाता है यहां पर, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन बहुत ही सिंपल होता है, या तो इधर या तो उधर, यहां पर उतना सिंपल नहीं होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है डायरेक्शन, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जो कि है वेक्टर क्वांटिटी। और आगे चल के हम और भी बहुत बहुत सारे चीजों पर बात करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में हम वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज पर बात करेंगे, जिस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पर मिल जाएगा। और अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है, जो बनेगा प्लेलिस्ट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में वेक्टर और स्केलर के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।